मेरा एक मेंटोर था, है हरीश मैसी साहब। मैंने उनको देखा लोगों के साथ काम करते, वो कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा लोगों के साथ काम करते। मैंने कहा छोड़ो परे, यही करते हैं। मुझे एक जोश पैदा हुआ और मैंने फिर इसी में तालीम हासिल करनी शुरू कर दी और मैं इसमें तरक्की करता हुआ आज खुद मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, नहीं कहना चाहिए मुझे, बहरहाल ये इरशाद साहब भी कहते हैं, पाकिस्तान में चंद होंगे, 5-6 लोग होंगे जो मेरे कैलिबर के, मेरे मुकाबले के या मेरे इक्वल होंगे इस फील्ड में। और अगर आपको नहीं यकीन तो इरशाद साहब से मैं अभी गवाही दिलवा दे, तो ये कहते हैं कि आप हैं ऐसे 5-6 लोगों में ही हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन आप अपने आप को समझते नहीं। सर मैंने भी गवाही दी है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और मैं कारितास का जब एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बना तो सबसे कम उम्र का एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी था, और उसी वक्त 32 साल का मैं था, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एशिया पार्टनरशिप फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के ममालिक और एशिया के बेशुमार ममालिक, कुल मिला के 25 ममालिक थे उसमें, पाकिस्तान भी था। 32 साल का था और इलेक्शन से मैं चेयरमैन इलेक्ट हुआ, पहला पाकिस्तानी और पहला 32 साला चेयरमैन। मुझे कहते थे बेबी चेयरमैन है ये, इसको दूध का ग्लास ला के पिलाओ। और मेरे मुखालिफ जो खातून थी 60 साल की थी, एक वोट भी नहीं उसको मिला। और पाकिस्तान से आज तक कोई और ना हुआ, पता नहीं कोई होगा या नहीं, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। तो ये थी। और लम्स में फिर मैंने काम शुरू किया, लम्स में भी इंटरव्यू के ज़रिए मैं सिलेक्ट हुआ। 3 लोगों ने इंटरव्यू लिया, डीन ने, वाइस चांसलर ने और एक जो वहाँ का डायरेक्टर था उसने, और मैं पूरे सेंटर का मैनेजर था। जो डीन था इतनी दाढ़ी थी उसकी, लेकिन जब उसने मेरा सीवी देखा तो मैं एंटर हुआ अंदर तो उठ के खड़ा हो गया। मेरी जसारत नहीं है कि मैं आपसे सवाल पूछ सकूं, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट कोई और है, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? कोई सवाल नहीं पूछ रहा, आप लम्स में आए, यू आर मोस्ट वेलकम। हम क्या था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढ लिया था कि मैंने क्या करना है। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढ लिया तो यहाँ किसी ने, भाई ने पूछा, बेटे ने पूछा कि मैंने आईटी ले लिया क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। यार मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती आईटी, ना ही मेरे पल्ले वकालत पड़ती। वो काम करो जो आपके पल्ले पड़ता है। अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढने सबसे पहले अपने आप से सच्चाई करें, पहले सच बोलें अपने आप से कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा बेटा जो है वो भांड है, कहता मैंने भांड बनना, मैंने कहा बन जा भाई। एक्टर अगर है तो यही कहेंगे ना रिश्तेदार, लेकिन वो आजकल टोरंटो कनाडा में एक्टर है और स्टार वर्ल्ड पे उसकी सीरीज चलती, छोटे रोल कर रहे हैं अभी, लेकिन उसने कहा मैंने एक्टर बनना है। ये जो अजीब सी बात ही होती। अब मेरी एक बेटी कह रही गैस्ट्रोनोमिस्ट बनना है, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा गैस्ट्रोनोमिस्ट क्या है, हालांकि मैंने MBA की है, MA की है और PhD कर रहा हूँ मैं लीडरशिप में, एंटियोक यूनिवर्सिटी USA से PhD लीडरशिप में कर रहा हूँ। मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा गैस्ट्रोनोमिस्ट क्या है, नई फील्ड है। मैंने कहा ये गैस, पेट में गैस होती है ये उसकी है नहीं, ये किचन साइंस है, किचन साइंस। ये मसाला डालेंगे वो डालेंगे तो क्या बनेगा, इस साइंस है किचन की। ये उसको शौक है खाना पकाने का, तो उससे एक फील्ड निकली है। तो भाई मेरे
बहनों बेटियों जो भी करना है फाइंड आउट मीनिंग ऑफ लाइफ अपनी. आप पढ़ लिख के रोटियां लगाएं ना बेशक तंदूर पे, तो पूरे लाहौर में ना मशहूर हुए और अपनी मीनिंग ऑफ लाइफ ना ढूंढा, क्रिएटिविटी ना दिखाए, तो आप पूरे लाहौर में मशहूर ना हुए तो मुझे पकड़ लें. आप कहेंगे नहीं मैंने स्क्वायर रोटियां लगानी, ट्रायंगुलर रोटी लगानी, नहीं ऐसी स्टार वाली बनानी है, पूरे लाहौर से आपके पास आएंगे रोटी लेने. कामयाब तो होंगे ना.